हमने हस्तियों को मिटाकर ये शौक पाले हैं, हमने अपनी धन दौलत में आग लगा के ये शौक पाले हैं। हक से कह दो हम बागेश्वर वाले हैं। जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार की जय। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार का बहुत दिव्य दरबार है। यहाँ पे कोई भी अगर क्रोधी भी होगा या आप दुश्मन भी होगा, एक बार बागेश्वर धाम सरकार के निकट बैठ कर देखे, वो ही प्यार करने लगता है। जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं क्या, मेरे से जलने वाले मेरे से दुश्मनी रखते हैं और मुझे देखना भी ना चाहते तो भी मुझ पे नज़र रखते हैं। अगर आपको बागेश्वर धाम सरकार की ये अपडेट वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बागेश्वर धाम सरकार हमारे बैकग्राउंड के पीछे देख रहे होगे, ये अभी के चित्र हैं और फोटो के हैं जो कि बागेश्वर धाम सरकार के अंतिम दिवस की कथा के लिए थे। अंतिम दिवस की कथा के बाद बागेश्वर धाम सरकार एक स्थान पर सुनसान जगह जहाँ बनवासी रहते थे वहाँ पर जाते थे और रोज़ बैठते थे और वहाँ पर बनवासियों के बीच में उनको उनकी समस्या सुनते थे और अर्जी लगाते थे, उनकी प्रॉब्लम बताते थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख जा। मैं मिलता है नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार वीडियो लेकर आएंगे। दरअसल क्या है, मेरे चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे हैं इसलिए मैं वीडियो ऐसे डाल रहा हूँ, और कल तक की भी वीडियो है मेरे पास सब कुछ। अब वीडियो जब भी व्यूज बढ़ने लगेंगे तो सब आपको अपडेट मिलने लगेगी। जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय सन्यासी बाबा की। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, नहीं अच्छे होते ईश्वर से प्रार्थना करेंगे आप जल्दी से स्वस्थ हो जाओ। जैसे कि आप हमारे बैकग्राउंड के पीछे देख रहे हो, बागेश्वर धाम सरकार की अपडेट आ चुकी है। बागेश्वर धाम सरकार वनवासियों के बीच में जब अंतिम दिवस की कथा हुई, लाखों हजारों लोग वहाँ पर रोने लगे। बागेश्वर धाम सरकार ने जब विदाई ली तो बागेश्वर धाम सरकार की विदाई करते समय लाखों लोग रोने लगे, और बागेश्वर धाम सरकार से मिल कर उनको बहुत अच्छा लगा। वनवासियों ने पहली बार हमारे महाराज जी के मुखारविंद से कथा सुनी। वनवासियों के बीच इतनी बड़े मतलब कथा व्यासपीठ बागेश्वर धाम सरकार की वनवासियों के बीच में गई और सभी संसार को बहुत अच्छा लगा। आचार्य चकित हो गए, सभी बोले महाराज जी ने ऐसा संकल्प लिया वनवासियों के लिए कथा करी। तो आप लोगों को भी अगर ये महाराज जी की जो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बागेश्वर धाम सरकार के चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। कहना है क्या,